रामपुर में करीब 12 साल पहले सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 6 आरोपियों को सीआरपीएफ हमले के मामले में दोषी करार दिया, जबकि कौसर फारूकी और गुलाब खान को हमले में सीधे तौर पर भूमिका न होने के चलते बरी कर दिया है। हमले के शामिल दोषियों में से 3 पाकिस्तानी हैं। इन सभी को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता सरदार दलविंदर सिंह का कहना है कि मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन को आतंकी हमले में दोषी करार दिया गया है। गिरफ्तार मुंबई गोरेगांव के फहीम अंसारी से पासपोर्ट और पिस्टल वगैरह बरामद हुए थे। उसकी हमले में कोई भूमिका नहीं पाई गई। मैं गिल्टी होल्ड कर दिया गया है 5 लोगों को, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर बाबा, इमरान शहजाद, फारूक और सबाउद्दीन, जो मेन सीआरपीएफ का अटैक था। कुल जो 8 आरोपी थे उसमें से कितनों को दोषी पाया और कितनों को बरी किया? ये 2 अलग अलग मुकदमे चले हैं जी, जिनमें 5 मुख्य अभियुक्त तो यही थे, 2 सर इनके साथ थे, कौसर खान और गुलाब खान। कौसर खान और गुलाब खान द्वारा इन मेन अभियुक्तों का सामान अपने घरों पर रखवाया गया था और उसको उन दोनों को दोषमुक्त कर दिया गया है। बाकी इन 5 लोगों को जो है दोषित कर दिया गया है। टोटल 8 लोग थे? 8 लोग थे। तो इसमें 8 में 8वां फहीम अरशद अंसारी है, उससे फर्जी पासपोर्ट, स्टार पिस्टल वगैरह बरामद हुए थे, लेकिन उसका इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं पाई गई इस अटैक में। फहीम अंसारी की। अच्छा, इसलिए उसको धारा 420, 467, 468, 471, 200 IPC, 25/1/A आयुध अधिनियम में अच्छा दोषित किया गया। आतंकी हमले से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा? नहीं, ताल्लुक तो उसका रहा है। अच्छा, लेकिन डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, जो जितने आरोपी बनाया गया उनको कितने साल की सजा हुई? ये कल बताया जाए। अच्छा, कल ये 5 जो आरोपी उनका एक बार नाम ले दीजिए। सजा के नाम पर कल सुनवाई होगी। अच्छा, 5 आरोपी कौन कौन से थे? 5 आरोपी जो मुख्य थे, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर, इमरान शहजाद और फारूक और सबाउद्दीन, ये 5ों आतंकवादी हमले में शामिल थे। जो बरी हुए उनका क्या नाम है? वो है मोहम्मद कौसर खान और गुलाब खान। इन दोनों को बरी कर दिया गया? हाँ, किस वजह से बरी किया गया? इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं पाई गई है इसमें। बता दें कि जिन 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई है उसमें पाक अधिकृत कश्मीर के इमरान मोहम्मद फारूक, मुंबई गोरेगांव के फहीम अंसारी, बिहार के मधुबनी का सबाउद्दीन सबा, मुरादाबाद के मुंडा पांडे के जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर के खजूरिया गाँव के मोहम्मद शरीफ को दोषी माना गया है। बता दें कि ये हमला 31 दिसंबर 2007 को हुआ था, जब रात 3 बजे सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकियों ने बम और गोलियां बरसा दी। इसमें मौके पर 7 जवान शहीद हुए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की भी जान चली गई थी। पुलिस ने इस हमले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों को लखनऊ और बरेली की जेलों में रखा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रवि पाल की रिपोर्ट।